अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ सरकार लोगों को उनके गांव भेजने की व्यवस्था कर रही है, जिला अधिकारी को इसका जिम्मा सौंपा गया है कि जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उनको पूरी जानकारी देनी होगी और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि वो किसी बीमारी से संक्रमित तो नहीं है। उसके बाद उन्हें अपने गांव जाने की परमिशन मिलेगी। इस ऐलान के बाद मुमरा के मुमरा पुलिस स्टेशन में फॉर्म जमा करने वालों की लंबी कतार दिखाई दी, जहां लोगों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वहीं नगर सेवक राजन किन्ने की ऑफिस पर अलग अलग राज्य में जाने वाले मजदूर को फॉर्म बांटे गए और उनका मेडिकल चेकअप करवा कर मेडिकल सर्टिफिकेट बांटे गए। वहीं इस फॉर्म को भरने के बाद मेडिकल कहां करवाए और ये मेडिकल चेकअप कौन से डॉक्टर कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर जुबैर शेख, जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने लोगों को दी है और वो आप सुनिए। इम्पा तमाम यूनानी प्रैक्टिशनर से गुजारिश करती है कि ऐसे हालात में हमें सरकार और आवाम की मदद करना चाहिए। जब ये मरीज़ आएँ तो इनकी स्क्रीनिंग और एग्जामिनेशन करने के बाद ये सर्टिफिकेट इशू करें। हमने इसका फॉर्मेट भी स्क्रीन पर डाल दिया है और इम्पा इस बात की फ़ख्र करती है कि आज ऐसे हालात में, बहुत बड़े हंगामी हालात में, जहां बहुत ही रिस्क है, हमारे प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें मगर तमाम प्रिकॉशन लेते हुए, पीपीई के किट यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करें और आवाम की मदद करें। कोविड की इस वबाई व हंगामी हालात में पूरी दुनिया बीमारी और मासी हालात से दो चार है, ख़ास करके वो तबका जो बीमारी से ज़्यादा रोटी रोज़ी और ज़रिए मास से ज़्यादा परेशान है। ये तबका छोटे से घरों में रहता है और बहुत बड़ी दुश्वारी में है। लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी बरती गई है, ये तबका अपने घर वतन जाना चाहता है ताकि सुकून से ज़िंदगी गुजार सके, मगर पेंडेमिक एक्ट के हिसाब से वही शख्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है जो फिज़िकली फिट हो। ये फिटनेस सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। अब ये सवाल उठता है कौन डॉक्टर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकता है, तो तमाम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बीयूएमएस के तमाम डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है आईएमसीसी एक्ट 1917 के हिसाब से, ड्रैगन कॉस्मेटिक 1948 के हिसाब से। वो लोग इलनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पंचनामा सर्टिफिकेट, रीएम्बर्समेंट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आईएमसीसी एक्ट 1970 के सेक्शन 72C और महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 के सेक्शन 34 के हिसाब से तमाम बीएमएस प्रैक्टिशनर ये तमाम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आपने सुना डॉक्टर जुबैर ने क्या कहा। इसी दौरान इस मेडिकल चेकअप को लेकर लोगों की शिकायत आई है। मुमरा से सटे सिल डाइगर परिसर में ज्यादातर कारखाने और कंपनियां हैं और उन्हीं कंपनियों में दिहाड़ी मजदूर है और लेबर काम करते हैं, जो भूखमरी और लॉकडाउन के चलते पैदल ही अपने गाँव निकल पड़े। हमने उनसे इस बारे में बात की तो उनका कहना है वो दहिसर ठाकुर पाड़ा में रहते हैं और दो दिन पहले ही उन्हें गांव जाने के लिए फॉर्म भरा था, मगर मेडिकल चेकअप के पैसे मांगे गए। इस पूरे मामले पर लोगों ने क्या कहा, आप सुनिए। कहां से आए हो ये लोग? मापा से आए हैं, मुमरा मापा। हाँ। और जाने का इन लोग को नासिक होते हुए यूपी बहराइच। अच्छा, तो आप लोग कितने जाना टोटल? 150 तकरीबन है। तो आपकी वजह क्या है जाने? वजह ये, इनको खाना नहीं मिल रहा है बेचारे, और कोई काम धंधा भी नहीं है इनके पास, और मेडिकल कराने को बोल रहे हैं 2400 रुपया मांग रहे हैं लोगों से। तो किसने बोला था, और आप जहाँ से आ रहे हो वो एरिया कौन से एरिया से तुम आ रहे हो? मापा। मापा से आ रहे हो जी। तो किसने बोला था कि आपको कि मेडिकल करने का आपको 2400 रुपया लगेगा? जी, हम लोग ठाकुर पहाड़े से आए हुए हैं चल के। वो ठाकुर पहाड़े में हम लोग गए उधर नाम लेसन करवाने के लिए, तो उधर सब कहने लगे पैसा भी लगेगा। हम लोग फॉर्म भर के चले मैडम जी, जब पैसे का नाम आए, जब हमारे लोग के पास खाने का पैसा नहीं है तो हम लोग भाड़ा कहाँ से दे के जा पाएंगे, कहाँ अपना मेडिकल चेकअप करवा के जा सकते हैं।
इसके लिए हम लोग सोचे चलते रहेंगे, हम लोग पैदल ही चलते निकलते हैं, क्या करेंगे, कैसा भी भूखा प्यासा करके पाने हम गांव पहुंचे। काम नहीं तो छह सात महीने से हम लोग रह रहे हैं फिर उधर आके, फिर जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ नहीं लगा हम लोग, डेढ़ महीने से काम हम लोग का बंद हो गया एकदम। फिर हम लोग लॉकडाउन का पालन करने लगे, फिर बोले सरकार तुमको 15 तारीख को छूट मिलेगा, 17 तारीख को मिलेगा, हम लोग वो भी देखे, फिर बोले 3 तारीख को मिलेगा। हम लोग ऐसा देखते देखते फिर बाद में फार्म बोले भरो, हम लोग भरे भी फार्म, फिर बाद में पैसे का नाम आया तो हमारे लोग के पास पैसा नहीं था मैडम, इसके लिए हम लोग पैदल चल दिए। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है आपको गांव जाने के लिए जी, तो उन लोगों जिन लोगों ने पैसा भी मांगे वो नहीं मांगे हैं, वो बोले थे पैसा लगेगा आप लोग का, मेडिकल करवाओगे तो पैसा लगेगा, ट्रेन का भाड़ा लगेगा उसका भी पैसा लगेगा, तो हमारे लोग के पास नहीं था, हम लोग बोले चलो हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं। तो आपने सुना ये लोग कैसे अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं। इनका कहना है हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, ऐसे में हम मेडिकल चेकअप के पैसे कहां से लाए। हम ठाणे जिला अधिकारी, नगर सेवक और शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि इस लॉकडाउन की घड़ी में जो मजदूर तका है और गरीब है, उनके काम बंद है, ऐसे में उनके पास मेडिकल चेकअप के पैसे कहां से आएंगे। उस पर कोई रास्ता निकाला जाए और उन्हें अपने गांव जाने में आसानी हो। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।